उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आज पूरे प्रदेश में पटवारी और लेखपाल के 563 पदों पर परीक्षा हो रही। इसमें प्रदेश भर के 458 परीक्षा केंद्रों पर 1,30,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पटवारी लेखपाल की परीक्षा दोबारा हो रही है और इसके चलते पूरे प्रदेश भर में स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भी अलर्ट पर रखा गया है। एहतियात के तौर पर कि परीक्षा बिल्कुल शांति, सुव्यवस्थित और निर्विघ्न हो, हम लोगों ने 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 8 जोनल मजिस्ट्रेट और 4 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। प्रत्येक सेंटर पे प्रत्येक मजिस्ट्रेट के साथ 2 फोर्स है, पुलिस बल है, और सेंटर पे भी 4-4, 5-5 पुलिस बल सब पे दिए गए हैं, जिसमें महिला पुलिस बल भी शामिल है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पहली बार कड़ी सुरक्षा के बीच में पटवारी लेखपाल की परीक्षा होने जा रही है और आप देख पा रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और आप देख पा रहे हैं कि ये परीक्षा केंद्र देहरादून का है और आज पटवारी लेखपाल की परीक्षा पूरे उत्तराखंड में हो रही है, जिसमें 1,30,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और आप देख पा रहे हैं कि जो सुरक्षा के इंतज़ाम है वो व्यापक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये पहली लेयर है जहाँ पर गहनता से पुलिस के माध्यम से जो परीक्षार्थी हैं उनको चेक किया जा रहा है, पूरे दस्तावेज देखे जा रहे हैं और उसके बाद दूसरी चेकिंग अंदर जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर हो रही है। और आप जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में 563 पदों पर ये परीक्षा आज हो रही है और आप देख पा रहे हैं कि 458 परीक्षा केंद्र आज बनाए गए हैं और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको राज्य सरकार ने परिवहन विभाग की बसों में मुफ्त सेवा दी ही है। और वहीं सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि श्री राम के चरित्र पर टिप्पणी करने वाला न तो सनातनी हो सकता है, न ही समाजवादी हो सकता है, वो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। जब भी कोई राम के चरित्र पर या धर्म के और आस्थाओं पर कुठाराघात करने का काम करेगा, मैं इसके विरोध में सबसे पहले सीना तान कर खड़ा हो जाऊंगा। जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा है उस व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दें। ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरे दल का नेता है और मेरे दल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब उस नेता के मुंह से निकली बात मेरे हृदय को कचोटने लगी, मुझे पीड़ा देने लगी, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खड़े होकर मैंने मीडिया के माध्यम से ये कहने का साहस उठाया कि राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए और धर्म के साथ खड़े करने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। और मैंने सबसे पहले कहा कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं ना तो सनातनी हो सकते हैं ना समाजवादी हो सकता है तो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है, जो केवल विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। तो सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने न सिर्फ मंच से स्वामी प्रसाद की आलोचना की बल्कि बाद में भी अपने बयान पर वो कायम रहे। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाला न तो समाजवादी हो सकता है और न ही सनातनी। रामचरितमानस पे या प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी कर रहा है ना तो वो सनातनी हो सकता है ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी चौपाई पे या रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं तो ये अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जनसेवा की बात करते हैं तो उस जनसेवा में हमारी टिपकी गई टिप्पणी से कितने लोगों के मन को ठेस पहुंच रही है, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाओं पे कुठाराघात हो रहा है, हम नेताओं को इस बात का भी ध्यान रखना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।